रगड़ना स्टार्ट कर दिया, आज तो हम डेड स्किन निकाल के रहेंगे, आज हम गोरे ही हो जाएंगे, फिर मेरा फेस रेड हो गया। दोस्तों आप तरीका अगर आप सही जान लेंगे कि आपको स्क्रब कैसे करना है, देन यू विल नॉट फील लाइक। हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ में एक स्क्रब का रिव्यू शेयर करने वाली हूं। एज अ टाइटल यू नो ऑलरेडी दैट कि आई एम गोइंग टू रिव्यू द प्रोडक्ट। दिस इज बायोटिक एडवांस आयुर्वेदा बायो मॉर्निंग नेक्टर विजिबली फ्लॉलेस फेस स्क्रब है। एंड दिस इज द पैकेजिंग गाइज, यू कैन सी ओवर हियर। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ही मैंने बायोटिक के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स परचेज किए थे एंड दैट वाज टोटली न्यू फॉर मी। एंड उसमें से बहुत सारे न्यूली लॉन्च थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आप आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। एंड दोस्तों इसके पहले मैंने बायोटिक के और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स के रिव्यू किए हैं, अगर आप लोग देखना चाहते हैं सो यू कैन गो एंड चेक माई प्ले लिस्ट एज वेल, एंड वीडियो के एंड में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो प्लीज गिव मी अ बिग थम्स अप एंड शेयर भी कर दीजिएगा एंड इंस्टा पे भी फॉलो कर लीजिएगा समथिंग मैजिकल 09 से। सो या गाइस लेट्स गेट स्टार्ट। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एज यू गाइस ऑलरेडी नो दैट कि मुझे स्किन केयर प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं और मैं स्किन केयर की तरफ ज्यादा मेरा रुझान रहता है। तो मैं काफी सारे प्रोडक्ट जो होते हैं न्यूली लॉन्च होते हैं मैं ट्राई करती रहती हूँ। और बायोटिक एक ऐसा ब्रांड है जिसको हर कोई अफोर्ड कर सकता है, चीप है, इनएक्सपेंसिव है और आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी मिल जाती है। अभी तक मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है तो मैं आपको बता रही हूँ। तो बाकी इसका क्या है एक्सपीरियंस वो आप देख लीजिए, और स्क्रब को कैसे अप्लाई करना है और स्क्रब का यू नो प्रॉपर एक तरीका क्या होता है। एंड स्क्रबिंग इज द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ यू कैन से, क्योंकि इससे जो आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं वो आपको खुद भी नहीं पता होते हैं कि स्क्रबिंग। मैं ये नहीं कह रही कि आप इसी स्क्रब को यूज़ करो, मैं जस्ट जनरली आपको बता रही हूँ कि स्क्रब के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। डेली लाइफ में हम जो भी फेस वॉश यूज़ करते हैं उससे हमारी इम्प्योरिटीज़ वगैरह नहीं निकल पाती हैं। स्क्रब यहाँ पे आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आपको इसे डेली यूज़ नहीं करना होता है, वीक में आप एक से दो बार यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ द बायोटिक एडवांस आयुर्वेदा बायो मॉर्निंग नेक्टर विजिबली फ्लॉलेस फेस स्क्रब है ये। इट्स अ फेस स्क्रब and this is for all skin type, इसमें लिखा हुआ है। and it's a आयुर्वेदिक रेसिपी, 100% botanical extracts पड़े हुए हैं इसमें, और ये 100 ग्राम का ट्यूब है ये, और इसे छोटा वाला भी आता है, आप 50 ग्राम का भी ले सकते हो। and this retails for 140 rupees, blended with pure walnut, methi and sunflower oil. एंड एज यू गाइज ऑलरेडी नो दैट कि मेथी हमारी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, और सनफ्लावर का इसमें ऑयल भी पड़ा हुआ है और वॉलनट का यू नो इसमें ब्लेंड है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। डिजॉल्व डेड सर्फेस सेल्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, अनक्लॉग पोर्स ओपनिंग्स एंड स्मूथ द वे टू क्लियर स्किन टू सर्फेस, एंड जेंटल रिफाइनिंग एक्शन अनकवर स्किन नेचुरल ब्राइटनेस फॉर अ यंगर लुकिंग कॉम्प्लेक्शन। तो ये सारी चीज़ें हैं। और बायोटिक इट्स नॉट अ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, इट्स अ थेरेप्यूटिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। इट इज ऑर्गेनिकली प्योर एंड प्रिजर्वेटिव फ्री, डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड है फॉर सेफ्टी, नो एनिमल टेस्टिंग है। दीज ऑल आर द प्रॉपर्टीज द बायोटिक कंटेन्स। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूं, बायोटिक पे काफ़ी अच्छे अच्छे ऑफर चलते रहते हैं, तो आप इसे कहीं से भी परचेज कर सकते हो। लाइक आप इसे नायका, पर्पल और ये नॉर्मल शॉप पे भी अवेलेबल हो गए हैं बायोटिक के प्रोडक्ट्स, तो आप वहाँ से भी जाके ले सकते हो। दोस्तों मैंने भी अपना फेस को वेट कर लिया है। मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रही हूँ कि आप जब भी कोई भी स्क्रब यूज़ करते हैं तो हमेशा आप अपने फेस को यू नो गीला कर लीजिए थोड़ा सा पानी लेके, और देन आप अप्लाई करिए, अदरवाइज़ आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा रफ एंड बिल्कुल डैमेज हो जाएगी, क्योंकि इसमें स्क्रब है तो एक्सफोलिएट करेंगे तो वो थोड़े से आपकी स्किन को यू नो हार्श कर सकते हैं। एंड दिस इज द कंसिस्टेंसी ऑफ द प्रोडक्ट, यू कैन सी हल्का सा ग्रीन इन टेक्सचर है, तरीके से स्प्रेड करते हुए अप्लाई करेंगे ऑल ओवर फेस पे और नेक पे भी। नोज के अराउंड ज्यादा ब्लैक हेड्स होते हैं, व्हाइट हेड्स होते हैं, तो वहाँ पे भी आप ध्यान रखिएगा। एंड बहुत ही जेंटल हाथों से आपको स्क्रब करना है, बिल्कुल भी हार्श नहीं करना है। ऐसा नहीं कि बस रगड़ना स्टार्ट कर दिया, आज तो हम रेड स्किन निकाल के रहेंगे, आज हम गोरे ही हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। दोस्तों आपका फेस बिल्कुल की जो स्किन होती है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है और सेंसिटिव भी होती है, और इसी तरीके से आपको करना है। बहुत ही ज़्यादा हल्के हल्के हाथों से आपको रब करना है, यानी कि स्क्रब करना है।
जहाँ पे ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स की ज़्यादा समस्या रहती है वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, बट आपको बिल्कुल भी हार्श नहीं होना है। आपके जो हाथ हैं, जो फिंगर्स हैं, उनका बहुत ही लाइट हैंडेड यूज़ करना है आपको। आपको अगर ज़रूरत लग रही है, थोड़ा सा ड्राई लग रहा है स्क्रब, तो आप क्या कर सकते हो, बीच में आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर करती हूँ ऐड। फोरहेड को भी आपको कवर करना है और आइज के जो नीचे वाला एरिया होता है आपको उसको वहाँ पे बिल्कुल भी रब नहीं करना है, क्योंकि ये जो पार्ट होता है ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है। इसमें वॉलेट पड़ा हुआ है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूँ जिस भी स्क्रब में अगर वॉलेट पड़ा होता है वो थोड़ा सा खुरदरा तो होता ही है, तो उसके साथ आपको वर्क कैसा करना है, बहुत ही इसीलिए मैंने आपको बताया कि आपको बहुत ही हल्के हाथों से स्क्रब करना है, अदरवाइज़ वो आपका जो वॉलनट की जो इसमें जो बीट्स पड़े हुए हैं वो आपके फेस को छील देंगे, यानी कि हार्श कर देंगे। सो दैट्स वाई काफ़ी लोग बोलते हैं कि मेरा फेस रेड हो गया। दोस्तों आप तरीका अगर आप सही जान लेंगे कि आपको स्क्रब कैसे करना है, देन यू विल नॉट फील लाइक दैट कि यू नो स्किन आपकी डैमेज हो गई है या फिर रेडनेस हो गई है। बहुत ही हल्के हाथों से आप करिए, then you will get the results as well. और ये काफ़ी ज़्यादा क्रीमी एंड टेक्सचर है, इसकी स्मेल जैसे कि जो बायोमानी नेक्टर की जो स्मेल है उनकी, उसी तरीके से लग रहा है। काफ़ी लोगों को ये स्मेल आई थिंक ना अच्छी लगे, बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे इतना ज़्यादा स्मेल को लेके प्रॉब्लम नहीं होती है, बट इतनी ज़्यादा भी अनोइंग नहीं है कि आप इसे झेल ना पाओ, ठीक लगी मुझे। एंड नाउ गाइज यू कैन सी माई फेस, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गया। सबसे पहली बात तो जैसे ही आप टच करोगे और अपना जब फेस को वॉश कर रहे होंगे, एट दैट टाइम यू विल फील द डिफरेंस टू योर फेस, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है, बिल्कुल बेबी सॉफ्ट जैसी स्किन लग रही है और बिल्कुल भी ड्राई नहीं लग रही है। फेस को काफ़ी अच्छे से क्लीन किया है, जो यहाँ पे ब्लैक हेड्स की थोड़ी बहुत समस्या थी मेरे साथ में वो रिमूव हो गई है और सही लग रहा है मुझे प्रोडक्ट ये। अगर आप लेना चाहते हैं सो यू कैन डेफिनेटली गो विद दिस प्रोडक्ट। सो या गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। आई थिंक ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल रहा होगा, जैसे कि मैंने आपको इसमें कई सारी टिप्स और ट्रिक्स बताई हैं कि स्क्रब कैसे करना है और अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ये बायोटिक का प्रोडक्ट कैसा है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो एंड कंटेंट देन प्लीज़ गिव मी अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साइड में जो नोटिफिकेशन बेल है आप उसे भी हिट कर देना, फर्दर मेरी वीडियोज़ आप लोगों से बिल्कुल भी मिस ना हो। एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल somethingmagical09 से। या गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड लव यू ऑल, बाय।